गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंड पैरेलल, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंड पैरेलल। अब जो ये कॉनिकल प्रोजेक्शंस होते हैं, इसमें एक शंकु, कागज़ का शंकु लिया जाता है और उस कागज़ के शंकु को ग्लोब पर इस प्रकार से चढ़ाया जाता है कि वह शंकु किसी एक अक्षांश रेखा को छुए। जिस भी अक्षांश रेखा को वह शंकु छुएगा वह उसकी मानक अक्षांश रेखा होगी। इस प्रकार से जब कोई शंकु किसी अक्षांश रेखा को छुएगा और अक्षांश रेखा को उस शंकु को प्रक्षेपित किया जाएगा तो उस अक्षांश रेखा का मापक शुद्ध होगा। लेकिन टू स्टैंडर्ड पैरेलल की अवस्था में हमने यहाँ पे दो स्टैंडर्ड पैरेलल लेनी है, और दो स्टैंडर्ड पैरेलल को लेकर हम उस शंकु को इस प्रकार से मानेंगे कि वह दो अक्षांश रेखा को छुए। तो इसमें जब दो अक्षांश रेखा को शंकु छूता है तो दोनों ही अक्षांश रेखाएँ शुद्ध होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, RF है 1:32 करोड़ और स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर। इन दो अक्षांश रेखाओं को शंकु छुएगा और दोनों का मापक प्रक्षेप पर शुद्ध होगा। इसमें जो इंटरवल ऑफ लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखा का जो अंतराल है 15 डिग्री और देशांतर रेखाओं का अंतराल है वो 30 डिग्री है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमने इस प्रक्षेप की रचना करनी है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी प्रक्षेप की रचना करते हैं तो उस प्रक्षेप की रचना करने के लिए हमारे पास ग्लोब चाहिए होता है, और ग्लोब कितना बड़ा होगा वह उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमें उस ग्लोब का रेडियस निकालना है जिसकी सहायता से हमने प्रक्षेप की रचना करनी है, और ग्लोब का रेडियस निकालने के लिए हमारे पास RF दिया होता है। यदि हम इस RF को पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास से गुणा कर देते हैं तो उस ग्लोब का रेडियस हमारे पास आ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होता है रेडियस ऑफ द ग्लोब, और रेडियस ऑफ द ग्लोब को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि RF को यदि हम रेडियस ऑफ द अर्थ, वास्तविक जो पृथ्वी का अर्धव्यास है, उससे हम गुणा कर देंगे तो रेडियस ऑफ द ग्लोब हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखें हम रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये रेडियस ऑफ जो अर्थ है वो सेंटीमीटर्स में लगभग 64 करोड़ होता है, और RF है हमारे पास 1:32 करोड़। ये हुआ 1:32 करोड़, और इसको हमने गुणा कर दिया 64 करोड़ सेंटीमीटर से। जब 64 करोड़ सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ द ग्लोब है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये इस प्रकार से आता है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर क्या हुआ, यह उस ग्लोब का रेडियस हुआ जिसकी सहायता से हमने प्रक्षेप की रचना करनी है। तो इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर यदि हम एक वृत्त खींचते हैं, वह वृत्त उस ग्लोब को प्रदर्शित करेगा जिसकी सहायता से हम प्रक्षेप को निर्माण हम करेंगे। अब हम 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक सर्कल ड्रा करेंगे जो ग्लोब को प्रदर्शित करेगा। ये हुआ हमारा वो सर्कल जो ग्लोब को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से ये सर्कल हुआ, और इसके जो ध्रुवीय व्यास है और भूमध्य रेखीय व्यास है वो हम ले लेते हैं। ये हुआ इसका ध्रुवीय व्यास और ये हुआ इसका भूमध्य रेखीय व्यास। दोनों ही व्यास C बिंदु पर काटते हैं, और इसको हम लिखते हैं E, और ये हुआ Q, और इसको हम लिखते हैं N, और इसको लिखते हैं S। तो दोनों ही जो व्यास है वो C बिंदु पर काटते हैं। अब हमने इसमें देखना है कि स्टैंडर्ड पैरेलल कौन कौन से हैं। जो स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ है। दोनों ही एंगल हम इस सी बिंदु पर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे जो स्टैंडर्ड पैरेलल है। तो ये 30 डिग्री का कोण हुआ, और यह इसको काटता है आर पर, और ये हुआ 45 डिग्री का कोण, ये इसको काटता है क्यू पर। अब हम देशांतर जो अंतराल है वह है हमारा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का हम चापकण ले लेंगे, और 30 डिग्री का चापकण लेने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, इसको हम लिखेंगे लेंथ ऑफ 30 डिग्री कोण।
और इसका फार्मूला हमारे पास होता है 2πr मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 360। और ये 2πr क्या है, यह परिधि निकालने का फार्मूला है 2πr, और पूरी सर्कल की जो परिधि है वह 360 एंगल्स को प्रदर्शित करती है। उन 360 कोणों में से हमने 30 डिग्री के कोण की लंबाई हमने निकाल लेनी है, तो इस हिसाब से हम इसकी 30 डिग्री कोण की लंबाई निकाल लेंगे। और इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 × 22/7 गुणे रेडियस ऑफ द ग्लोब हमारे पास था 2 सेंटीमीटर गुणे 30/ और ये 360। इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार से आता है 12, और इसको यदि हम काटते हैं तो ये आता है 3, तो ये आता है 22/21 इस प्रकार से। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 1.04 सेंटीमीटर। 30 डिग्री के कोण की लंबाई हमारे पास आती है 1.04 सेंटीमीटर। 1.04 सेंटीमीटर प्रकार हम खोलेंगे और सी बिंदु पर रखेंगे और एक अर्धवृत्त यहाँ पर इस प्रकार से खींच लेते हैं, तो ये अर्धवृत्त हुआ। यह अर्धवृत्त सी आर रेडियस को एम बिंदु पर काटता है और सी क्यू रेडियस को एन बिंदु पर काटता है, तो यहाँ पर ये एन बिंदु पर काटता है। अब हम एम बिंदु से सी एन रेडियस पर एक लंब गिराएंगे जो सी एन को एन एम वन पर काटेगा, यहाँ पर हुआ एम वन। और इसी प्रकार से एन बिंदु से सी एन रेडियस पर एक और लंब गिराएंगे जो एन वन बिंदु पर काटेगा, तो इस प्रकार से हमारे 30 डिग्री की अक्षांश रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एम एम वन हुई, और 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एन एन वन हुई। हमने इसमें एक फिगर और बनानी है जिसकी सहायता से हम स्टैंडर्ड पैरेलल हम खींच पाएंगे, तो उस फिगर को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो वो फिगर किस प्रकार से हम बनाएंगे, जो अक्षांश रेखाओं का अंतराल है जो 15 डिग्री है, 15 डिग्री के चाप कर्ण की लंबाई भी हम यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम को लेंथ ऑफ 15 डिग्री कोण। ये 15 डिग्री चापकर्ण की लंबाई हम यहाँ पे ले लेंगे, और वो फार्मूला क्या होता है, 2πr मल्टीप्लाइड बाई 15 और डिवाइड बाई 360, और यह आता है 2 × 22/7 × 2, रेडियस हमारे पास 2 था 2, और गुणा 15/360, और ये 360 एंगल्स में से 15 डिग्री के एंगल की हम लंबाई हम यहाँ पे ले लेंगे। और ये 2πr क्या था, ये 360 डिग्री से बने हुए एक सर्कल की परिधि थी, तो उस परिधि में से 15 डिग्री के कोण की लंबाई हम यहाँ पे ले रहे हैं। और इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये आता है 0.52 सेंटीमीटर। 0.52 सेंटीमीटर 15 डिग्री के चापकण की लंबाई हुई, तो यह सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर आ जाती है। अब जो हमने फिगर बनानी थी वो फिगर यहाँ पर हम बनाएंगे, तो इस प्रकार से 0.52 सेंटीमीटर की एक रेखा हम ले लेंगे जिसको हम लिखेंगे x और y। यहाँ पर ये x है, ये x हुआ, और ये y है। ये जो दूरी हम ले रहे हैं ये दूरी है हमारी 0.52 सेंटीमीटर। अब x बिंदु पर एक लंब खड़ा करेंगे, इस प्रकार से लंब खड़ा करेंगे, और ये जो x1 दूरी ले लेंगे m m1 के बराबर, यहाँ पर x1 ले लेंगे, ये x1 हुआ, m m1 के बराबर x1, क्योंकि ये 30 डिग्री का कोण था, 30 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल थी, 30 डिग्री कोण, तो इस प्रकार से जो इतनी दूरी है वो 30 डिग्री अक्षांश पर किनी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, वो यहाँ पर हम ले लिया। और इसी प्रकार से y बिंदु पर भी एक लंब खड़ा करेंगे और वो दूरी हम ले लेंगे n n1, और यह होगा y y1, ये y y1, ये कितने के बराबर है, y y1 इज इक्वल टू n n1, तो यहाँ पर ये y y1 हुआ। और x1 और y1 को इस प्रकार से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, और x और y को भी मिलाते हुए आगे हम बढ़ाएंगे, और ये दोनों यहाँ पर ये l बिंदु पर काटती है। l और y की जो दूरी है वह 45 डिग्री की मानक अक्षांश रेखा की
उत्तरी ध्रुव से दूरी यहाँ पर हो जाती है। सेंट्रल मेरिडियन ले लेते हैं, इसको हम कहें के और इसको हम कहें के वन। सेंट्रल मेरिडियन ले लेते हैं और एल और वाई प्रकार खोलेंगे, एल और वाई प्रकार खोलेंगे, के बिंदु पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे यहाँ से। एक प्रकार से ये चाप हमने लगा दी, ये हुई 45 डिग्री की अक्षांश रेखा, एल और वाई प्रकार खोली और के बिंदु पर रखी और एक चाप लगाई। और इसी प्रकार से एल और एक्स प्रकार खोलेंगे और एक चाप और लगा देंगे या के बिंदु पर रखकर, और ये हुई आपकी 30 डिग्री की अक्षांश रेखा। अब आप देखिए जो ये बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, एक्स और वाई, और एक्स और वाई क्या था हमारे पास 0.52, और 0.52 क्या था, लेंथ ऑफ 15 डिग्री कोण। तो 15 डिग्री के अंतराल की ये लंबाई थी, और 15 डिग्री का अंतराल किन में था, अक्षांश रेखाओं के बीच में, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 15 डिग्री का अंतराल इस प्रकार से था। अब इतनी ही प्रकार खोलकर एक्स वाई प्रकार खोलेंगे और 30 डिग्री की अक्षांश रेखा पर रखेंगे, एक निशान इधर लगाएंगे जो दिखाएगा 15 डिग्री को, एक निशान और लगाएंगे जो दिखाएगा 0 डिग्री को, और इस प्रकार से उतनी ही प्रकार खुली रहेगी। और इस बिंदु पर रखेंगे, एक निशान लगाएंगे, ये हुआ हमारा 60 डिग्री और ये हुआ 75 डिग्री और ये हुआ हमारे पास 90 डिग्री। अब के को केंद्र में मानकर एक चाप लगाएंगे जो 90 डिग्री को प्रदर्शित करेगी, एक दूसरी और चाप लगाएंगे जो 75 डिग्री पर प्रदर्शित करेंगी, और एक और चाप खींचेंगे, एक और यहाँ पर चाप खींचते हैं, ये 60 डिग्री को प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार से के को ही केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो 15 डिग्री को प्रदर्शित करेगा, और एक चाप और खींचेंगे जो 0 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से ये हमारी सभी अक्षांश रेखाएं हमारे पास आ जाती हैं। अब अक्षांश रेखाएं हमने खींच ली हैं, अब आती है देशांतर रेखाओं की बारी। अब देशांतर रेखाएं कौन सी, देशांतर रेखाएं 30 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमारे पास थी x और x1। इतने प्रकार खोलेंगे और 30 डिग्री के रेखा पर जाएंगे, ये स्टैंड पहला 30 डिग्री, और यहाँ पर जाएंगे, यदि इधर एक निशान लगाते हैं तो ये हुआ, यहाँ पर यदि इसको सेंट्रल मेरिडियन को 0 डिग्री मान लें तो ये हुआ 30 डिग्री, दूसरा निशान लगाएं 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और ये 180 डिग्री। इस प्रकार से ये निशान हम लगा लेंगे, 6 निशान लगा लेंगे, और इसी प्रकार से एक्स एक्स वन प्रकार खोले रखेंगे और इधर भी 6 निशान हम लगा लेंगे, ये हुआ 30, ये 60, 90, 120, 150 और ये 180। इस प्रकार से ये 6 निशान हम लगा लेते हैं। अब आते हैं 45 डिग्री मानक अक्षांश रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वो थी हमारे पास वाई वाई वन, और वाई वाई वन किसके बराबर थी, एन एन वन के बराबर थी, और एन ये सी आर जो रेडियस है वो किसका है, 45 डिग्री एंगल है। तो इस प्रकार से एन एन वन प्रकार खोल लें या वाई वाई वन प्रकार खोल लें, बात एक ही है, और 45 डिग्री की जो अक्षांश रेखा उसको ऊपर रखेंगे, 6 निशान पूर्वी दिशा में लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इस प्रकार से 6, और इस प्रकार से 6 निशान इधर, 1, 2, 3, 4, 5 और ये इस प्रकार से 6। तो ये 6 निशान हमने लगा लिए हैं। अब सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमारे पास आ जाती है। अब पहले निशान को पहले निशान से मिलाते हुए और के बिंदु से मिलाते हुए एक देशांतर रेखा खींचेंगे और 90 डिग्री तक जो जाएगी, ये हुई एक देशांतर रेखा जो 30 डिग्री देशांतर रेखा है, और दूसरी जो है के बिंदु से मिलाते हुए ये 60 डिग्री, और सभी रेखाएं यहाँ पर हम इस प्रकार से खींच लेते हैं, और इस प्रकार से पूर्वी दिशा में भी सभी देशांतर रेखाएं हम खींच लेंगे। ये हमने सभी देशांतर रेखाएं खींच ली है, यहाँ पर था 0 डिग्री और ये है 30 डिग्री, और सभी मान यहाँ पर लिख लेंगे, और ये 180 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट का हुआ, और इस प्रकार से 30 डिग्री और ये 180 डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट हुआ, और यहाँ पर 0 डिग्री था, ये 15 डिग्री, और सभी अक्षांश रेखाओं के मान भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर था ये 90 डिग्री नॉर्थ, के को मिटा देंगे यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे नॉर्थ। तो इस प्रकार से ये बनाता है हमारे पास प्रक्षेप, कोनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल। यहाँ पर आरएफ लिख देंगे और यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल, और यहाँ पर
इंटरवल ऑफ पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड ये था 30 डिग्री। जो स्टैंडर्ड पैरेलल था हमारा उनको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये स्टैंडर्ड पैरेलल था इसको डार्क कर देंगे, ये डार्क कर देंगे, और इसी प्रकार से ये भी स्टैंडर्ड पैरेलल को इसको हम डार्क कर देंगे जो हमारे पास था 45 डिग्री, इसको हम डार्क कर देंगे, और यहाँ पे लिख भी देंगे ये स्टैंडर्ड पैरेलल है और इसी प्रकार से ये भी स्टैंडर्ड पैरेलल है। तो ये 45 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है हमारे पास प्रक्षेप, और प्रक्षेप में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है अक्षांश रेखाओं का आकार, और अक्षांश रेखाओं का आकार किस प्रकार का है, या अक्षांश रेखाओं की आकृति वो आकृति किस प्रकार की है। सभी अक्षांश रेखाएँ चाप के आकार की हैं, और सभी जो चाप हैं वो एक केंद्रीय चाप है, एक ही बिंदु को केंद्र मानकर सभी चाप खींची गई हैं, और सभी चाप एक दूसरे के समानांतर हैं। तो केंद्रीय चाप हैं तो एक दूसरे के समानांतर ये हुई रहती है। देशांतर रेखाओं की आकृति और देशांतर रेखाओं का आकार, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर जाते हुए एक दूसरे के नज़दीक आती हैं या उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। सभी देशांतर रेखाएं सीधी हैं। फिर आती है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में प्रतिच्छेदन, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं में प्रतिच्छेदन किस प्रकार से है। देखिए, जो ये केंद्रीय देशांतर रेखा है वह इस 0 डिग्री चाप को 90 डिग्री कोण पर काट रही है, और जिस प्रकार से ये 30 डिग्री की जो देशांतर रेखा है जितनी वह तिरछी होती है उतनी ही यह चाप भी घुमावदार आकृति ले लेती है, और यह भी इसी प्रकार से देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को 90 डिग्री के कोण पर काट रही है। तो इस प्रकार से सभी अक्षांश रेखाओं को सभी देशांतर रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। फिर बात आती है इसमें मापक की, अक्षांश रेखाओं का मापक। देखिए, ये शंकुआकार प्रक्षेप है, और शंकुआकार प्रक्षेप में हमारे पास एक मानक अक्षांश रेखा होती है, और इसमें दो मानक अक्षांश रेखाएं हैं, और मानक अक्षांश रेखाओं की जो मापक है वह शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से इसमें दो मानक अक्षांश रेखाएं हैं, दोनों ही मानक अक्षांश रेखाओं का मापक शुद्ध है, जो है 30 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री उत्तर, इनका मापक यहाँ पर शुद्ध है। और 30 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री उत्तर से उत्तर की ओर जाते हुए सभी अक्षांश रेखाओं के मापक में विवर्धन हो गया है, और 90 डिग्री की जो अक्षांश है वह एक बिंदु मात्र होना चाहिए लेकिन यहाँ पर एक चाप के रूप में है। तो इस प्रकार से इनके मापक में एनलार्जमेंट या विवर्धन हो गया है, और इसी प्रकार से 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जाते हुए भी मापक में विवर्धन होता है या एनलार्जमेंट होता है। तो इस प्रकार, और लेकिन 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में कोई भी अक्षांश रेखा हो उसके मापक में रिडक्शन या लघुकरण होता है। तो इस प्रकार से इसके बीच में जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका मापक घटा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है देशांतर रेखाओं का मापक। सभी अक्षांश रेखाओं का जो बीच की जो दूरी है वो 15 डिग्री के कोण के चापकर्ण की दूरी लेकर हमने खींची है। तो इस प्रकार से 15 डिग्री का जो चापकर्ण है वह था एक्स और वाई, और यह शुद्ध है। तो इस प्रकार से 30 और 45 डिग्री के बीच में जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वह शुद्ध है, और इसी प्रकार से 45 और 60 के बीच में शुद्ध है, और 60 से 75, 75 से 90, और इस प्रकार 30 से 15, 15 से 0 डिग्री के अक्षांश के बीच में जो दूरी शुद्ध है। तो इस प्रकार से सेंट्रल मेरिडियन शुद्ध हुई, और क्योंकि सभी चाप सेकेंद्रीय चाप है इसलिए सभी देशांतर रेखाएँ यहाँ पर शुद्ध हैं। तो इस प्रक्षेप में सभी देशांतर रेखाएँ शुद्ध, लेकिन केवल दो अक्षांश रेखाएँ जो मानक अक्षांश रेखाएँ हैं वो इसमें शुद्ध रहती हैं। तो इसलिए यह शुद्ध आकृति प्रक्षेप नहीं है, और यह ना ही सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है। अब इसके बाद आती है इसके बाद इसके उपयोग की, इसका उपयोग कहाँ करें। जहाँ शुद्धता है वहीं उसके उपयोग है, और शुद्धता यहाँ पर कहाँ पर है, केवल दो मानक अक्षांश रेखाएँ 45 डिग्री और 30 डिग्री ये शुद्ध हैं। तो इस प्रकार से ये जो 45 डिग्री की जो रेखा है वो शुद्ध है। तो इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ कोई भी क्षेत्र जो एक संकरी पट्टी में हो, कोई भी सड़क मार्ग, कोई भी रेल मार्ग, उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। और इसी प्रकार से 30 डिग्री भी शुद्ध है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई कोई भी संकरी पट्टी या रेल मार्ग या नदी या कोई सड़क मार्ग वह शुद्धता से दिखाया जा सकता है, वह बशर्ते कि वह संकरी पट्टी में हो। दूसरी बात, क्योंकि
अक्षांश रेखा शुद्ध है, इसलिए छोटे देश जो इन मान अक्षांश रेखाओं पर पड़ते हैं, छोटे देश, उनको लगभग शुद्धता से दिखाया जा सकता है। कोई भी देश हो, मध्य अक्षांश में कोई भी देश है, तो उनको शुद्धता से हम दिखा सकते हैं। और सभी देशांतर रेखाएँ शुद्ध हैं। देशांतर रेखा शुद्ध होने के कारण संकरी पट्टी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ कोई भी क्षेत्र, उसको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है। और इसमें यदि हम बात करें अलास्का और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है, उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है देशांतर रेखा के कारण। और इसी प्रकार से पुर्तगाल और स्पेन के बीच की जो सीमा रेखा है, उसको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है, इसके कारण देशांतर रेखा शुद्ध होने के कारण। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राज्यों की जो सीमाएं हैं, वह देशांतर रेखा के सहारे सहारे हैं, उनको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। कनाडा के अनेक राज्यों की सीमाएं जो देशांतर रेखा के सहारे सहारे हैं, उनको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट भी उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, और वह उसको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है। और इस प्रकार से जो भी उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ हो, जैसे सैन फ्रांसिस्को और सिएटल के बीच तक का जो सड़क मार्ग है, उसको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है, क्योंकि वह एक देशांतर रेखा के लगभग सहारे सहारे है, उत्तर से दक्षिण की ओर संकरी पट्टी में फैला हुआ है। विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों को भी लगभग शुद्धता से दिखाया जा सकता है जो पूर्व पश्चिम में फैले हुए हों, क्योंकि इसमें दो अक्षांश रेखाएँ शुद्ध हैं। अक्षांश रेखाएँ जो शुद्ध हैं, उनकी सहायता से कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की जो सीमा को भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि वह एक अक्षांश रेखा के सहारे सहारे हैं। और इसी प्रकार से कोई भी एक क्षेत्र हो, जिस प्रकार से हम भूमध्य सागर की हम बात करें, तो वह पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, और क्योंकि दो अक्षांश रेखाएँ इसमें शुद्ध हैं, और इसलिए उन दोनों अक्षांश रेखाओं की शुद्धता के कारण उसको भी लगभग शुद्धता से दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपने इसके उपयोग सुने, और इस प्रक्षेप को उपयोग में लाया जा सकता है। आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के और दूसरे जो लेक्चर है प्रक्षेप के बारे में और भूगोल के बारे में, आप इसी चैनल पर आते रहिए और देखते रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।